वेलकम टू माई ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद शमा अब्दुल रहमान। आज हम बनाएंगे ईदन दावत स्पेशल दूध दुलारी। तो सबसे पहले आप इसके अज्जा नोट कर लें। दूध दुलारी बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, 200 ml टेट्रापैक क्रीम, 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 कप कंडेंस मिल्क, ये ऑप्शनल है, 1/3 कप चीनी, आप हसबे जायका डालिएगा, 1/2 कप रंग बिरंगी सेवैयां, हरी और लाल जेली, पिस्ते और बादाम, और इन्हें मैंने इस तरह से कट कर लिया है। साथ में मेरे पास चमचम है, आप हसबे ज़ौक कम ज़्यादा डाल सकते हैं, और 1 अदद मेरे पास मिक्स फ्रूट टिन है जिसे मैंने ड्रेन ऑफ कर लिया है। तो चलें अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। सबसे पहले हम दूध बॉयल करेंगे। इसे मैं कवर कर रही हूँ ताकि दूध जल्दी से बॉयल हो जाए। अगर आप लोग भी इस तरह करें तो ख्याल रखिएगा दूध बॉयल होकर बाहर ना गिर जाए। बस ये देखें दूध बॉयल हो चुका है। तो अब हम इसमें चीनी डालकर मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें अब हम रंग बिरंगी सेवैयां डालेंगे और इसे पकाएंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर में मैंने 1/2 कप ठंडा दूध डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को बिल्कुल मैं लो कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा ये कॉर्नफ्लोर डालते डालते हम चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। याद रखिएगा कॉर्नफ्लोर हमेशा ठंडे दूध या ठंडे पानी में मिक्स करते हैं, कभी भी गर्म दूध या गर्म पानी में नहीं मिक्स करते, वरना वो फौरन गुठलियाँ बन जाता है। बस अब इसे हम लो फ्लेम पर पकाएंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये गाढ़ा हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर इसे पकाने के बाद ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी। इसकी थिकनेस आप देख लें और ये सेवैयां भी गल चुकी हैं। तो अब हम इसे ठंडा करेंगे और इसके बाद बाकी के अज्जा इसमें हम मिक्स करेंगे। ये दूध वाला मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें बाकी के अज्जा डालेंगे। सबसे पहले इसमें मैं 200 ml टेट्रापैक क्रीम डाल रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की ले लें। ये जो नॉर्मल क्रीम हम फ्रूट चाट वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ये वो है। और इसमें मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालेंगे तो मिक्सचर बनाते वक्त चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें मैं ये मिक्स फ्रूट कॉकटेल डालूंगी। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। हरी और लाल जेली मैंने 1-1 पैकेट बनाई थी लेकिन दाल मैं आधी आधी रही हूँ, और ये जेली भी मैंने सिर्फ 1-1 कप पानी डालकर बनाई है। क्वांटिटी इन पर 2 कप पानी की लिखी होती है। थोड़े थोड़े बादाम और पिस्ते मैं इसमें अभी डालूंगी और बाकी मैं ऊपर डेकोरेशन के लिए संभाल रही हूँ। थोड़े से चमचम भी हम बचा लेंगे। एक और रख लेते हैं और इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। इसमें आप रबड़ी भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, बहुत मज़े की लगती है, अगर है तो डाल लें। तो चलें अब इसे हम डेकोरेट करते हैं।
इस तरह से मैंने ये बाउल लिया है, इसमें मैं ये सारी दूध दुलारी डालूंगी। तो अब हम इसकी साइड्स पर बादाम की लेयर लगा लेते हैं। वीडियो का ये डेकोरेशन पार्ट मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया मिले कि आप लोग किस किस तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं। चमचम को मैंने बीच में से कट कर लिया था तो इन्हें मैं रेंडमली रख रही हूँ। साथ ही सेंटर वाले के अराउंड हम पिस्ते की लेयर लगा लेते हैं। बहुत ही सिंपल और डिसेंट सी डेकोरेशन है, तो आप लोग इसे इस तरह से ट्राई कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दूध दुलारी रेडी है। स्पेशली ईद के लिए मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। If you guys like my video, please subscribe and share my channel and also press the bell icon.